फ्रेंड्स, वेलकम टू माधुजा। अपने साथ है डॉक्टर चांदनी। बाय द वे चांदनी, मैंने एक भी बार आपको आपका पूरा नाम नहीं पूछा। मे आई नो योर फुल नेम? आई एम डॉक्टर चांदनी पसारी। डॉक्टर चांदनी पसारी, आज हम लोग इनसे बात करेंगे हाउ टू बी अ गिल्ट फ्री मदर। हर मम्मा जो अपने बच्चे को घर पे छोड़ के काम पे जाती है, भगवान वो क्या क्या सोचती है और खुद को कितना नाम रखती है, उसका कोई लिमिट नहीं है। कल मैं एक मम्मा से बात कर रही थी, उसके बच्चे को कहीं पे वो फॉल ऑफ हो गया, मतलब बेड पे से गिर गया, और वो मम्मा बाहर काम करने के लिए गई थी। वो बंदी 2 घंटे के लिए खुद को गिल्ट में डाल रही थी कि मैं बाहर गई इसीलिए मेरे बच्चे को कुछ हो। सो जनरली स्पीकिंग, एक गिल्ट फ्री मदर होना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चांदनी का खुद का 13 महीने का बच्चा है। चांदनी एनेस्थेशिस्ट है, वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में, अलग अलग सर्जरीज में, एक बार ऑपरेशन थिएटर में गई कि कभी बाहर निकलेगी एक्चुअली पता नहीं होता है। सो दैट काइंड ऑफ अ प्रोफेशन वो खुद काम करती है। तो चांदनी, पहली बात मुझे ये बताइए, माँ बन के कैसा लगता है आपको? शायद ये दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग है। जब मैं अपने बच्चे का चेहरा देखती हूँ तो बस उसके आगे कुछ नहीं दिखता है। सुपर, ये हमेशा रहता है चांदनी कि हर माँ के लिए कुछ कुछ फेजेस ऐसे आते हैं जहां पे इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट, जो मुझे पता है कि आपके भी केस में हुआ होगा। बीइंग अ मदर इज बहुत ओवरवेलमिंग है, बट वो अपने साथ कई सारी दूसरी चीजें लेके आता है, तो आप उस चीज को कैसे देखते हो? बिल्कुल होता है श्रेया। अभी मैं अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। जैसे मेरा बच्चा अभी काफी डिमांडिंग हो गया है, उसको घर पे मैं ही चाहिए होती हूँ या अपना पापा ही चाहिए होता है। तो मैं काम से आती हूँ और मैं उसके साथ लग जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं घर पे हूँ तो वो मुझे बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता है। तो ये है कि हाँ, मैं थकी होती हूँ, मुझे भी मन करता है मैं 5 मिनट बैठ जाऊँ, अपनी सुकून वाली चाय पी लूँ, वो नहीं होता है। तो उस टाइम लगता है, बट देन ये उस बच्चे की भी गलती नहीं है। वो उसको उसकी माँ इतनी देर बाद मिली है तो उसको माँ चाहिए ही चाहिए। सो इट इज ओके, इट्स इट्स अ अ फेज। फेज, चला जाएगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चांदनी, माँ का तो नींद की तो लग गई है। मुझे कोई पूछता है शायद मेरी नींद नहीं हो रही है, मैं उनको बोलती हूँ अबे मेरे बच्चे 11 साल के हो गए, मेरी आज तक नींद नहीं होती है। चांदनी, ये आपके लिए भी एक डायलॉग था कि ये फेस कब तक रहेगा पता नहीं है, बिकॉज मैं पैरामेडिक हूँ, मैं हॉस्पिटल्स में काम करती हूँ, जैसे ही मैं घर पे आती हूँ मेरी 11 साल की बच्ची भी भागते भागते आती है, मम्मा जी ये हुआ, मम्मा जी वो हुआ, मम्मा जी वो। सो दे हैव गॉट सो मेनी थिंग्स टू टेल। तो नींद को एग्जैक्टली आपने कोप अप कैसे किया बीइंग अ मदर? शुरू शुरू में बहुत दिक्कत हुई थी। ऐसे लग रहा था नींद ही नहीं हो रहा है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, मैं बहुत डल हूँ। धीरे 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 मुझे लगा नहीं, ये तो अभी लंबा चलने वाला है। तो मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि इट इज ओके, जितनी देर सोने मिल रहा है अच्छे से सो लो, उठ जाओ और लग जाओ काम पे। तो इसमें मुझे एक्सरसाइज ने बहुत हेल्प किया। जब मैं अच्छे से वर्कआउट करती हूँ तो जितना भी सोती हूँ आई फील एनर्जेटिक, मुझे अच्छा लगता है। वाह, सी आप लोगों ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा, यू ऑल शुड सी द पार्ट 1 विद डॉक्टर चांदनी। 14 kgs वेट लॉस, 8 महीने में मैनेजिंग बच्चा, काम, हॉस्पिटल, फैमिली एंड बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम। सो चांदनी ने जो बोला राइट डाइट, राइट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस, वो उसको बहुत ज्यादा हेल्प किया टू स्टे एनर्जेटिक। अभी चांदनी आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आप बच्चे के साथ कुछ घंटे नहीं बिता पाते हो इसलिए आपको बुरा लगता है, या आप बच्चे के साथ जो भी समय बिता पाते हो वो बहुत क्वालिटेटिव वे में बिताते हो, इसका आपको बहुत खुशी मिलता है? श्रेया, जब मैं अपने काम पे जाती हूँ बच्चे को घर पे छोड़ के, मुझे इस चीज का कभी बुरा नहीं लगता। मुझे वही बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, क्योंकि जब मैं वापस आती हूँ आई जस्ट बाउंस बैक। मैं अपने बच्चे को जितना मैं पूरे दिन रह के दे सकती हूँ उससे कहीं ज्यादा उस थोड़े टाइम में दे देती हूँ। ओके। बाय द वे, आप सब लोगों के साथ मैं यहाँ पे कुछ फोटोज आपके लिए पोस्ट करी हूँ। ये चांदनी का बच्चा है और चांदनी हॉस्पिटल, फैमिली, खुद का वेट लॉस, डाइट सब मैनेज करके बच्चे के साथ ये क्वालिटेटिव प्ले करती है। इनफैक्ट चांदनी मेरे लिए मेरी स्टूडेंट के तौर पे ज्वाइन हुई थी फॉर मेनी ऑफ द कोर्सेज, जिसमें से एक था प्ले डेट, होम प्ले टर्न इन टू डेवलपमेंटल प्ले। और ये वो लड़की है जिसने ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी अपने बच्चे के साथ किया हुआ है। 170+ एक्टिविटीज हम लोग उस प्रोग्राम में सिखाते हैं एंड शी हैज बीन एन अमेजिंग एडिट। आप लोग फोटोज देखोगे तो आप लोगों को ध्यान में आएगा वाह क्या चीज है ये, एंड इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। सो चांदनी, मुझे अभी ये गूगली क्वेश्चन है,
आपने ऐसा बोला कि श्रेया मुझे गिल्ट नहीं होता है जब भी मैं काम के लिए जाती हूँ, तो आपका बच्चा एग्जैक्टली किसके साथ था तभी? हाँ श्रेया, मेरे पास मेरे बच्चे के लिए एक नैनी है, एंड मुझे अभी पैंडेमिक की वजह से अपने हस्बैंड का भी सपोर्ट मिला हुआ है, बिकॉज वो आईटी प्रोफेशनल है, तो उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो एक लो सुपरविजन हो जाता है। सुपर। तो अभी मैं पूछती हूँ, क्या आप हर आधे घंटे बाद घर पे फोन करके चेक करते हो बच्चे ने खाया क्या, बच्चे ने पिया क्या, बच्चे ने सुसु किया क्या? और यू ट्रस्ट पीपल जो पीछे बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, एंड यू फोकस ऑन योर प्रोफेशन? आई फोकस ऑन माई प्रोफेशन, बट हर माँ की तरह मैं भी माँ हूँ श्रेया, मैं बहुत ज्यादा लोगों को ट्रस्ट नहीं करती हूँ, तो आई डू कीप अ चेक। जब उसका लंच टाइम खत्म हो जाता है, मैं उसके बाद कॉल करके पूछती हूँ कि उसने खा लिया था, क्योंकि अगर उसने नहीं खाया है तो थोड़ी देर बाद जब वो उठेगा सो के तो उसको क्या देना है, एटलीस्ट मैं वो बता सकूँ। वंडरफुल। सो नॉट फ्रॉम दैट डाउट पॉइंट ऑफ व्यू, पैनिक पॉइंट ऑफ व्यू, बाप रे कुछ नहीं खाया मैं आऊँ क्या डायरेक्टली घर पे, नॉट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, बिल्कुल भी नहीं शेयर, नहीं खाया नहीं खाया, उसको नहीं मन था उसने नहीं खाया, इट इज ओके, क्योंकि उसका मैं मील प्लान प्रीवियस डे ही सेट करके रखती हूँ मैं। हाँ शेयर, मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर अ वर्किंग मदर, तो प्रीवियस डे नाइट को पूरा मील प्लान सेट होता है नेक्स्ट डे का, तो अगर उसने उसमें से एक मील नहीं खाया है तो उसका जो सेकेंड मील है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें शायद कुछ ऑल्टरेशन करना पड़े, इसलिए मैं कॉल करके पूछती हूँ कि अच्छा उसने लंच नहीं किया है बराबर, तो उसको स्नैक में क्या देना है। लवली। सो ऑल ऑफ यू, चांदनी ने जब भी वेट लॉस के बारे में बात किया तभी भी उसने बोला कि फर्स्ट डे नाइट में ही उसके कल के डाइट के सारे पोर्शन वो निकाल के रखते थी। आई थिंक अभी भी उसने सेम चीज बोला कि श्रेया प्लानिंग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अगर आप वर्किंग मदर हो। इनफैक्ट चांदनी के लाइन में मैं और एक चीज ऐड करूंगी, प्लानिंग बहुत जरूरी है अगर आप एक ऐसे मम्मा बनना है जो खुद का लाइफ प्लस बच्चे का लाइफ बैलेंस करना चाहते हो, जिसमें आप एक्टिविटीज भी लोगे, आप घर का भी मैनेज करोगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी मैनेज करोगे, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चांदनी, अभी मुझे बताइए कि आप आपके बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करते हो? अच्छा, क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करना बहुत जरूरी है, तो मैंने क्या किया, जब मुझे ये माइद्विजा का प्ले डेट सेशन का पता चला, तो आई थिंक मैं पहली मेंबर थी जिसने रजिस्टर किया था, बिकॉज फर्स्ट मुझे मेंबर फर्स्ट माइद्विजा पे पूरा ट्रस्ट है, तो वो जो एक्टिविटीज होते हैं वो इतनी सुंदर है, इतनी ब्यूटिफुल है, मुझे कभी नहीं पता था मैं अपने बच्चे को इतना एक्सपोजर इतनी छोटी उम्र से दे सकती हूँ, तो वो जो थोड़ा टाइम मैं बच्चे के साथ स्पेंड करती हूँ उसको भी बहुत मजा आता है कि अच्छा मम्मा अभी ये करेगी, मम्मा अभी वो करेगी, तो हम बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं जिसमें हर डेवलपमेंटल एस्पेक्ट के ऊपर हम काम कर सकते हैं। फन एक्टिविटीज है, आपको डंडा लेके बच्चे के पीछे नहीं लगना है, आपको भी मजा आ रहा है, बच्चे को भी मजा आ रहा है, बच्चे ने सीख भी लिया। लवली लवली। ओके ऑल ऑफ यू, चांदनी हैज बीन माय दुजा स्टूडेंट, सो इन बिटवीन आप उसके बातों में आएगा कि माय दुजा का ये कोर्स वो कोर्स, बिकॉज वो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आएगा। चांदनी, बच्चे को खिलाना तो बड़ा फजी सा काम है यार, और वो कैसा है ना, पाव पे सुला के खीर वीर मुंह में फटाफट डाल दो, नाचने के आटे का पेज होता है। जैसे एक मम्मा ने मुझे बोला था, श्याम मैं उसका खाना देखती हूँ तो मुझे लगता है बेचारा मेरा बच्चा पता नहीं ये सब चीजें कैसे खाता होगा। आप तो वर्किंग मदर हो, मतलब फॉर अ वर्किंग मदर सुबह में सब कुछ बना के जाना बच्चे के लिए, उसको प्रॉपरली स्टैक करना, प्रॉपरली प्रॉपरली लेबल करके जाना, तो आप एग्जैक्टली कैसे बता पाओगे कि बच्चे के खाने का रूटीन वैरायटी और बहुत अच्छे से आप लोगों कैसे प्लान कर सकते हो? जैसे मैंने बोला, मैं प्रीवियस डे पूरा प्लान कर लेती हूँ कि मुझे पूरे दिन में उसको क्या क्या देना है, तो सबसे पहले मैंने जो काम किया श्रेया वो ये था कि मैंने सारे आटे घर पे तैयार रखे, मैंने सारे सीड्स को रोस्ट करके उसका पाउडर घर पे तैयार रखा, मैंने ड्राई फ्रूट का पाउडर तैयार करके घर पे रखा, तो ये सब प्रेपरेशन मेरा पहले से था। तो अभी बच्चे की लाइकिंग्स ना हर फेज के साथ चेंज हो जाती है, पहले मेरा बच्चा उपमा शीरा बहुत शौक से खाता था, तो मैं उस हिसाब से प्रिपरेशन करती थी, पर मैं हमेशा आई हैज मेड श्योर कि उपमा है तो उसको सिंपल उपमा नहीं देना है, मैं प्रॉपर वेजिटेबल के प्यूरी बना के उसमें उसको उपमा देती थी ताकि उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले, उसमें थोड़ा दाल पाउडर करके डालती थी, हाँ वो दाल फुटाना दाल का पाउडर भी मैंने रेडी रखा हुआ है, तो वो फटाफट फटाफट किया एंड सब तैयार थी। अभी मेरा बच्चा चिल्ला पराठे शौक से खाता है, तो मैं उस तरीके से उसका प्रिपरेशन करती हूँ, पर मैं
पूरा ध्यान रखती हूँ कि उसको तीनों मील में कौन कौन से ग्रेन गए हैं, उसको हर टाइप के ग्रेन जाने चाहिए, उसको हर टाइप के दालें जानी चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में वेजिटेबल्स रिपीट नहीं करूँ, हर मील में उसको एक अलग वेजिटेबल दे दूँ, उसको स्नैक्स में फ्रूट्स दे दूँ, दही जाना बहुत जरूरी है तो दही खाता है तो ठीक है, नहीं तो बटर मिल्क बना के दे दो, एक हेल्दी वर्जन ऑफ सूप दे दो, बच्चा कुछ नहीं पसंद करे एक अच्छी सी स्मूदी बना के दे दो। तो इस तरीके से मैं प्लान करती हूँ उसके लाइकिंग के ऊपर, उसके जिस फेज में वो जो चीज पसंद कर रहा है उस तरीके से मैं उसका न्यूट्रिशन बैलेंस करके उसका मील प्लान कर लेती हूँ। So proud of you, Chandani. See, all of you, Chandani is a part of Solid Introduction course जो हम लोगों ने विनिंग का किया था। और एक बार मुझे याद है मुझे चांदनी ने मैसेज किया था कि श्रेया घरवाले बोलते हैं कि सूप पिलाने से बच्चे का न्यूट्रिशन तो नहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। एंड आई स्टिल रिमेम्बर जो मैंने चांदनी को जवाब दिया था, अगर बच्चा खाना ठीक से खा रहा है, सूप खाने को रिप्लेस नहीं कर सकता, बट अगर वो खाना ठीक से खा रहा है तो बच्चे के डाइट में सब कुछ होना चाहिए, सूप, दही, दाल, प्रोटीन, पनीर, चीज, दाले, कलरफुल वेजिटेबल्स। बट यस, ऑब्वियसली बच्चे के एज के हिसाब से उसका फॉर्म चेंज होते रहेगा और आप उस चीज को बच्चे को बहुत अच्छे से ऑफर कर पाओगे। तो चांदनी, आप सब चीजें सुबह में बना के रख के जाते हो या हाउ डू यू प्लान इट? नहीं श्रेया, मैं सारी चीज सुबह नहीं बनाती क्योंकि अभी भी मैं थोड़ी ऐसी मदर हूँ जिसको लगता है कि थोड़ा फ्रेश खाना बच्चे को दे दूँ, तो मैं आई मेक श्योर मैं उसका ब्रेकफास्ट बना के अगर पॉसिबल होता है तो करा के जाती हूँ या बना के जरूर जाती हूँ। उसके स्नैक्स में जनरली 11 बजे के स्नैक्स में मैं एक फ्रूट रखती हूँ तो वो कोई भी उसको खिला सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंच के पहले मैं कोशिश करती हूँ मैं घर का एक चक्कर काटूँ और उसके लिए फ्रेश लंच बना दूँ। मैं नहीं बना पा रही हूँ तो मैं नैनी को बोलती हूँ या फिर मेरी मदर इन लॉ अगर मेरे साथ हैं, मेरी मदर इन लॉ बाय द वे मेरे और मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ शफल करती रहती है, तो अगर वो मेरे साथ हैं तो मेरी मदर इन लॉ बना देती है। सुपर। इवनिंग स्नैक में बटर मिल्क कोई भी बना देता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इवनिंग स्नैक में जनरली चीज या सूप ऐसा रहता है तो वो भी कोई भी बना देता है। राइट। डिनर टाइम तक आई मेक श्योर मैं घर आके उसका डिनर बना दूं, तो मैं इस तरह से प्लान करती हूँ। वाओ, सो एक्चुअली आप लोगों ने देखा उसने बैलेंस रखा हुआ है, बिकॉज ये चांदनी का काम ऐसा है जहां पे वो घर पे आके वापस जा सकती है। अपने पास कई सारे कपल्स ऐसे हैं जो लोग घर पे नहीं आ सकते, दे आर लाइक फुल टाइम वर्किंग पीपल, तो ऐसे लोगों के लिए माइट बी वी ऑलवेज सी कि रॉ चीजें सारी कंटेनर में बना के रख दो, ताकि पीछे जो भी है, नैनी है, मदर इन लॉज है, दादी है, नानी है, वो लोग उसको कुक करके बच्चे को बहुत अच्छे से खिला पाएंगे। सो दैट कैन ऑलवेज बी मैनेज्ड। आई थिंक द वे चांदनी सेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कितना टाइम है, आप क्या चीजें प्लान कर सकते हो, उसी के हिसाब से प्लान करोगे तो इट्स ऑलवेज 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 बेटर। ओके चांदनी, आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन। व्हाई यू आर स्टिल वर्किंग? लॉट ऑफ मम्मास लीव देयर वर्क नो आफ्टर बिकमिंग अ मदर, सो व्हाई यू स्टिल वर्किंग? काम नहीं करना कभी मेरे दिमाग में था ही नहीं, ये कभी ऑप्शन ही नहीं था कि मैं काम नहीं करूंगी, ये कभी दिमाग में ही नहीं था। मैं बहुत ज्यादा मेंटली प्रिपेयर थी कि हाँ मुझे तो अपना काम रिज्यूम करना ही है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से अपना वर्कआउट चालू किया, अपना डाइट मैनेजमेंट चालू किया, मैंने सब चालू किया। बच्चे का भी आई थिंक प्लानिंग यू डिड अकॉर्डिंगली, ट्रेन्ड योर चाइल्ड। यस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली श्रेया, मैंने एज अ मम्मा पूरे टाइम घर पे रह के भी बिताया है 7 महीने, और अब मैं काम करके एज अ मम्मा रह रही हूँ। श्रेया, दोनों में बहुत फर्क है। जब मैं पूरे टाइम घर पे थी ऐसा नहीं था मैं पूरे टाइम बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती थी। पूरे टाइम एक बच्चे के साथ रहना इतना आसान नहीं होता है श्रेया, हमें लगता है बच्चा सो जाए तो हम थोड़ा अपना काम कर ले, हम भी आराम कर ले, हम भी ये कर ले, हम भी वो कर ले, पर जब आप काम करके आते हो श्रेया, आप अलग एनर्जी के साथ आते हो, आपको लगता है बस अब तो हो गया, अब जो टाइम है वो बच्चे को ही देना है, तो आप बिल्कुल एक अलग एनर्जी के साथ आते हो, और उसमें ये आपकी एक्टिविटीज बहुत काम आती है जिसमें आपको भी मजा आता है, बच्चे को भी मजा आता है, एंड सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट रहता है। लवली। सो काम होना चाहिए हर माँ के लाइफ में, सम एक्सप्रेशन शुड बी देयर। आई अगेन रिपीट, काम मतलब जॉब ही हो ऐसा कुछ नहीं। काम कैन बी एज सिंपल एज खुद के लिए 2 घंटे निकालना, खुद के लिए कोई आर्टिस्टिक चीज बनाना, सीखना, कुछ नया बनाना। आई ऑलवेज टेल, यूट्यूब वीडियोज बनाओ, ब्लॉग लिखो। कुछ काम पैसों के लिए होता है, कुछ काम पैशन के लिए होता है, कुछ काम फैमिली के लिए करने होते हैं। एंड द वे चांदनी सेड, ऐसा नहीं है कि हर चीज करने में मजा ही आता। लाइक फ्यू पीपल, पर्सनली पर्सन लाइक मी चांदनी, आई डोंट एंजॉय कुकिंग अ लॉट,
सो मुझे मजा आता है, मैं बच्चों के साथ अगर बैठ के घर बनाऊं, कुछ क्रिएटिव करूं, मस्ती करूं, हम लोग वाटर प्ले करते हैं. बट यस, बट इसका मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कुकिंग बहुत बोर मारता है. आई विल प्लान इट कि ठीक है आज मैं ये कुछ थोड़ा फैंसी बनाती हूँ तो मुझे भी करने में मजा आएगा. सो यू एड बेसिकली फन टू योर ओन लाइफ एंड दैट्स सो इम्पॉर्टेंट. चांदनी, द लास्ट क्वेश्चन दैट आई वॉन्ट टू आस्क यू, एनी इंस्पिरेशन दैट यू हैव फ्रॉम योर प्रोफेशन और फ्रॉम द एंशियंट पीपल हु हैव मेड इट वेरी वेरी बिग इन लाइफ, जिनको सुन के, जिनके बारे में पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि शायद लाइफ में बींग अ वुमेन एंड बींग अ मदर हु इज एक्सप्रेसिव इन लाइफ इज सो इम्पॉर्टेंट, ऐसा कोई इंस्पिरेशन है आपके लाइफ में फ्रॉम एन इंडियन और द वेस्टर्न फॉर्म एनी हाउ? बहुत सारे वुमेन है जो बहुत इंस्पिरेशनल है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इंडिया में तो बहुत सारी औरतों ने बहुत अच्छा अच्छा काम कमाया है, पर टू बी ऑनेस्ट श्रेया, मेरे लिए यू वर अ बिग इंस्पिरेशन। गलत जब मैं कॉमेंट. आपके वीडियोस देखती थी तो मुझे लगता था अगर एंड आई नो व्हाट योर डॉटर्स आर डूइंग, तो जब मैं देखती थी अगर श्रेया इतना कुछ कर सकती है तो क्यों नहीं हर मम्मा कर सकती है, हर मम्मा कर सकती है। एंड हाँ, प्रियंका वॉज ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर मी, शी इज ऑल्सो अ मम्मा टू अ 1.5 ईयर ओल्ड बेबी। तो जब वो इतना कुछ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो बड़े बड़े नाम से तो बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, पर जो डे टू डे लाइफ में पीपल मिलते हैं, तो श्रेया टू बी ऑनेस्ट यू एंड प्रियंका वे माई इंस्पिरेशन। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच व्यूअर्स, ऑल ऑफ यू. ये क्वेश्चन मैंने मेरे लिए नहीं पूछा था, बट दैट वाज एन अनएक्सपेक्टेड आंसर फ्रॉम चांदनी. थैंक यू सो मच चांदनी, योर दिस टू टॉक्स इंस्पायर अ लॉट फॉर ऑल ऑफ यू. प्रॉब्ली चांदनी वुड से द सेम थिंग थ्रू दिस वीडियो. वी जस्ट वॉन्ट एटलीस्ट फ्यू ऑफ यू टू गेट स्टार्टेड ऑन वर्कआउट. डोंट मेक योर चाइल्ड योर लाइफ. यस, योर चाइल्ड इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू हैव योर लाइफ, यू हैव योर फैमिलीज, यू हैव योर एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ईदर ऑफ द रोल्स इन योर लाइफ. जस्ट अंडरस्टैंड कौन से समय किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है. दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू. एंड थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम चांदनी, बी अ गिल्ट फ्री मदर. इट्स ओके. कुछ चीजें ऊपर नीचे हर बच्चे के साथ होती है, उसके भी बच्चे के साथ होती है, मेरे भी बच्चों के साथ होती है, एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके. थैंक यू सो मच चांदनी फॉर एवरी बिट दैट यू स्पोक विद अस टुडे. Thank you so much. Thank you so much, Shreya. I hope even if one mama gets inspired from my video, I'll be very, very happy. Mamas, please be guilt-free. Please be guilt-free. Enjoy your life. Enjoy your life with the baby. Thank you so much. And being fit. Yes. Don't be being okay fit. Being overweight. Mirror mein dekh dekh ke abhi yahi mera life hai. It's not your life. Yes. Priyanka, about whom she was talking, she's a Mayaduja team member and a fitness coach. She has lost 20 kgs. Chandani has lost 14 kgs. Shreya lost 20 kgs. I put on 20 kgs in my both the pregnancies. It is possible. None of us is a superwoman or a spider woman over here. We all are routine people. And it's just that we just see life with a smile. So all of you, whatever you write in comment box, I will ensure that it reaches Chandani. So please do write in comment box in what way this video inspires you. Keep watching Mayaduja. Thank you so much. Great time and bye. Thank you so much. Bye.